सुजानपुर टिहरा के अंतर्राष्ट्रीय मेले का शुभारंभ उपायुक्त हमीरपुर के द्वारा कोविड 19 नियमों के तहत सूक्ष्म तरीके से संपन्न किया गया, जिसमें उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बंग द्वारा मुरली मनोहर मंदिर में पूजा अर्चना करने के उपरांत लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बताया कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग नियमों की पालना करते रहें और मास्क लगाकर रखें, ताकि कोविड 19 महामारी के चलते प्रदेश सरकार द्वारा मेले पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए 8 से 9 लोगों के बीच में होली परंपरा की शुरुआत की गई है। उन्होंने सुजानपुर जनता को शुभकामनाएं दी है, लोग घरों में रहकर ही होली खेलें और सार्वजनिक स्थानों पर होली खेलने न जाएं। इस अवसर पर उपमंडल अधिकारी शिल्पा बेगटा, खंड विकास अधिकारी श्वेता डोगरा, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बरिंदर ठाकुर, बीरेंद्र ठाकुर, मंडल अध्यक्ष, नगर परिषद के प्रधान वीणा धीमान, उपप्रधान पार्षद मोनीश गुप्ता सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। उपायुक्त हमीरपुर के द्वारा होली में 200 वर्ष पुरानी रस्मों को विधिवत तरीके से पूर्ण किया गया, जिसके दौरान मंदिर परिसर में एक छोटे बच्चे को मास्क न होने के कारण उसे उपायुक्त हमीरपुर के द्वारा अपने हाथों से मास्क दिया गया, जिसमें उन्होंने बच्चों से आग्रह किया है कि बच्चे मास्क पहनकर ही सार्वजनिक स्थानों पर घूमें, जहाँ तक संभव है खेलें और कोविड के नियमों का पालन करते हुए ही जो भी गैदरिंग्स हैं या कार्यक्रम हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और कम से कम जो है भीड़ भाड़ के इलाकों में जाएं। तो सभी से दोबारा बहुत बहुत सभी को बधाई देना चाहेंगे हम लोग और सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, सबसे पहले तो कोविड के मामलों के तहत आज हमने यहाँ पे सुजानपुर की प्रसिद्ध जो संस्कृति है उसका प्रतीक है हमारी है वो हमने आज यहाँ पे हमें सबको करने का मौका मिला, उस पूजा में शामिल होने का मौका मिला। मैं पूरे सुजानपुर और हमीरपुर के सभी लोगों को होली की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। हम आशा करते हैं कि इस होली के त्यौहार में हम सभी के जिंदगियों से जो है ये कोरोना का प्रकोप है, बीमारी का प्रकोप है, वो हट जाए। हम इस बार हम लोगों ने तैयारी बल्कि की हुई थी, लेकिन कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनज़र जो है हमें मेला जो है जो हर साल होता है बहुत ही मशहूर है, बहुत ही ऐतिहासिक है, उसको रद्द करना पड़ा है। हम आशा करते हैं कि लोग इससे समझ पा रहे होंगे कि कोविड संबंधी जो कानून हैं, जो नियम बनाए गए हैं, वो कितने ज़रूरी हैं उनकी अनुपालना करना। और सभी से मैं गुजारिश करना चाहूँगी कि हम सबका सहयोग करें, एक अपना और अपने आस पड़ोस के लोगों का जो है स्वास्थ्य उसके बारे में सचेत रहें। हम लोग इस बार कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हमें मेला रद्द करना पड़ा है, अगले बार हम आशा करते हैं कि पूरी धूमधाम से जो है